जब भी आप मार्केट में जाते हो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, टॉर्क और पावर ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके ब्रोशर में या स्पेकशीट में आपको ज़रूर मिल जाते हैं देखने को। एंड आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि इन रैंडम नंबर्स का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, एक गाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक पे क्या फ़र्क पड़ता है उन टॉर्क से या उस पावर से, एंड उसकी फील में क्या फ़र्क आता है, दोनों का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होती है। इस तरह के कुछ सवाल तो आई एम श्योर डेफिनेटली आपके दिमाग में आए होंगे। अगर आपको इस बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं बैठा हूं आपके लिए यहां पे। मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल राइड, ये है मोटोटॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर वन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट टॉर्क एंड पावर, कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एग्जैक्टली होते क्या है, एंड इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी कार या मोटरसाइकिल के इंजन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो व्हिच इज ऑन टॉर्क एंड पावर। टॉर्क और पावर में से अगर मेरे को एक पहले आपको समझाना होगा तो आई थिंक मैं टॉर्क से शुरुआत करूंगा, बिकॉज पावर का जो फॉर्मूला है, अगर आपको पावर पता लगानी है किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल के लिए, उसके लिए जो है टॉर्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो टॉर्क अगर सिंपल लैंग्वेजेस में मैं एकदम से आपको बताऊँ, इज बेसिकली द रोटेशनल फोर्स, या फिर एक ट्विस्टिंग फोर्स जो होती है उसको हम जो है टॉर्क बोलते हैं। फोर्स या तो लीनियर हो सकती है, एक लाइन में हो सकती है, या फिर रोटेशनल हो सकती है, ट्विस्ट करने में जो है लग सकती है, उसको जो है हम टॉर्क बोलते हैं, राइट। अब इंजन के केस में कौन सा पार्ट है जो रोटेट करता है, वेल वो है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट रोटेट कैसे होता है, जब पिस्टन्स ऊपर नीचे चलते हैं पावर साइकिल के टाइम पे तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी मोटोटॉक की जो है प्लेलिस्ट देख लो, आई बटन में ऊपर आ जाएगी, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जो पावर साइकिल होती है जिसमें चार स्ट्रोक होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में, वो काम कैसे करते हैं, राइट। अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्रैंकशाफ्ट जो है रोटेट कर रही है वो कैसे रोटेट कर रही है, बिकॉज ऑफ द पिस्टन्स मूविंग अप एंड डाउन इन द सिलेंडर। तो टॉर्क जो है बेसिकली रोटेटिंग फोर्स है जो कि उस क्रैंकशाफ्ट को जो है घुमा रही है, और इसका जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। जी हाँ, बिकॉज फोर्स तो लगेगी बट कितना डिस्टेंस लगता है उसको रोटेट करने में, वो भी जो हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जब अगर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल स्पेशली अगर आप सर्विसिंग कराने जाते हो और आप उससे पूछते हो कि भाई कितना टाइम लगेगा, एंड वो बोलता है कि सर टॉर्किंग बाकी है बस थोड़ी सी, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। टॉर्किंग जो है और कुछ नहीं होता है, वो नट बोल्ट जो टाइट करने होते हैं उसी को जो है टॉर्किंग बोलते हैं, और वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक टॉर्किंग रेंच आती है। टॉर्किंग रेंच का काम ही होता है उसमें टॉर्क सेट करते हो, फोर्स सेट करते हो, और वो ऑटोमेटिकली जब आप टाइट करते हो तो उसी फोर्स से जो है उसको टाइट करता है। पर्टिकुलर इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉर्किंग सेटअप पे ही जो है फोर्स पे ही जो है टाइट होते हैं, उससे ज्यादा कम नहीं करने चाहिए वो, राइट। इसलिए जो है वो टॉर्किंग रेंच यूज की जाती है, और उसका भी जो है एक लेंथ होता है, राइट। सो उसकी जो फोर्स है इनटू लेंथ से, फॉर एग्जांपल वो 1 फीट की आपकी टॉर्किंग रेंज है, अगर आप वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल जो है वो टॉर्क मिल जाएगा। सो टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर से फॉर एग्जांपल कोई मोटरसाइकिल है, अगर वो जा रही है, कितनी फोर्स लगी उसको उस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में, उसको जो है वो काम करने में, टू गेट दैट वर्क डन कितना फोर्स लगा, वो जो है आपका टॉर्क होगा, राइट। फॉर्मूला भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, यूनिट क्या होती है इसकी, वेल इंडिया में जो है न्यूटन मीटर्स फॉलो किया जाता है, और बाहर जो है पाउंड फीट जो है किया जाता है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो फोर्स का यूनिट आ गया आपका पाउंड या फिर न्यूटन, एंड जो डिस्टेंस है उसका आपका आ गया तो फीट या तो मीटर्स, सो पाउंड फीट एंड न्यूटन मीटर्स, उससे जो है आपका टॉर्क जो है निकल आएगा। अब बात करेंगे पावर की। पावर जो है वही सेम चीज़, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर वो मोटरसाइकिल जाएगी तो कितनी जल्दी वो काम आप कर सकते हो, वो जो है बेसिकली पावर डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और आपके दोस्त को ऐसे आजू बाजू खड़ा करूँ और मैं बोलूँ कि भाई साहब वो 5 ईंटें पड़ी है उनको उठाओ, राइट। अब वो 5 ईंटें में भी दोनों उठा सकते हो, राइट। सो दोनों की सो कॉल्ड टॉर्क अगर मैं बताऊँ तो सेम ही होगी, बट एक ने जल्दी उठाई होगी और एक ने जो है बहुत फटाक से जो है मतलब इन्हें उठा ली, और एक ने जो है उसको थोड़ा टाइम लगा उसको उठाने में, राइट। तो जिसने एकदम से वो उठा ली उसमें पावर ज़्यादा है, उसके लिए वो काम करना ज़्यादा आसान था, विच इज़ वाई अगर आपकी गाड़ी में पावर ज़्यादा है, फॉर इट टू अटेन दोज हाई स्पीड्स इट इज़ ईजियर। एक चीज़ और जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आपकी गाड़ी बाइक कोई भी हो जो पावर बेसिकली बना रही है, टॉर्क बना रही है,
इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर. सो कैस्ट्रॉल ने जो है एक नया इंजन ऑयल जो है लॉन्च किया है फॉर योर मोटरसाइकिल्स, विच इज द कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट. ये जो ऑयल है फुली सिंथेटिक 5-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ है. सो आपको एक्सीलेंट एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलता है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन भी मिलता है. सो बेसिकली आपका इंजन स्मूदर कूलर चलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और रिलायबल बनेगा, एंड आप जो है अपनी गाड़ी के उस टॉर्क और पावर का जो है मजा ले सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, टॉर्क के बारे में आपको बता चुका हूँ. पावर का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ अभी, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इंटू RPM डिवाइडेड बाई 5252. अब पूछोगे कि ये 5252 क्या होता है सनी भाई? वेल 5252 जो है क्या होता है उसके लिए मैं भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज उसके लिए मुझे आपको एक दो और टर्म्स जो है जैसे कि पावर कर्व या टॉर्क कर्व ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत समझानी पड़ेगी. अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, कमेंट करो नीचे एंड मुझे बताओ. एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया टू डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर मंडे में जो है मोटोटॉक सीरीज में आपके लिए कैस्ट्रॉल पावर वन के साथ जो है लेके आता हूँ, सो दैट इस तरह के कुछ अच्छे टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर सके, मैं वीडियो बना सकूँ, कॉमेंट्स में हम बात कर सके एंड नॉलेज जो है और ज़्यादा शेयर कर सके. राइट, सो टॉर्क एंड पावर दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. टॉर्क का जो है यूनिट था न्यूटन मीटर्स, पावर का जो है हॉर्स पावर होता है या ब्रेक हॉर्स पावर होता है, BHP होता है. एंड मैंने जो है कल कावासाकी की निंजा H2 चलाई है जो 230 HP बेसिकली बनाती है. और समझ आता है बॉस कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना एफर्टलेसली जो है आप वो काम कर पाओगे, बिकॉज इट मेक्स 230 हॉर्स पावर. व्हाट अ ब्लास्ट आई हैड yesterday. सो वो वीडियो भी जो है मोस्टली इस वीक आपको देखने को मिल जाएगी. सो वेल बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझा चुका हूँ कि टॉर्क क्या होता है, पावर क्या होता है. टॉर्क इज बेसिकली जो है आपकी रोटेशनल जो है फोर्स होती है वो होती है. फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर आप करोगे तो पाउंड फीट या न्यूटन मीटर्स में जो है आप टॉर्क निकाल पाओगे किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल का. पावर जो है बेसिकली कितनी जल्दी आप वो सेम टास्क कर सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, वो जो है बेसिकली आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का पावर होता है. आज की डे एंड एज में सुपर कार्स हो या सुपर बाइक्स हो, हमेशा इसी रेस में रहती है कि हमारी गाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाले. टॉर्क हो, पावर हो, सब कुछ हो. अब कुछ गाड़ियां जो है वो ज़्यादा टॉर्क बायस्ड होती है, कुछ जो है पावर बायस्ड होती है ज़्यादा. उससे फ़र्क पड़ता है कि वो टॉप स्पीड जल्दी अटेन करती हैं, कि उनका एक्सेलरेशन फास्ट होता है, कि उनकी इंजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है. बट इसके बारे में भी आई थिंक आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो कि टॉर्क और पावर के अलावा भी, बिकॉज उसमें 3-4 चीज़ें आती है, इंजन किस टाइप का है उससे भी फर्क पड़ता है कि वो किस कॉन्फ़िगरेशन का इंजन है, V-twin है, V4 है, इनलाइन 4 है. उसके ऊपर भी बाय द वे मैंने एक वीडियो की हुई है, ऊपर आई बटन में आ जाएगी अगर आपको देखनी है, टाइप्स ऑफ इंजन्स इन अ मोटरसाइकिल. सो वेल ये था एक छोटा सा प्यारा सा क्विक सा वीडियो ऑन टॉर्क एंड पावर. अगर और कुछ आप जानना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो. टिल देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ. मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में. चाओ.